एवरीवन, वेलकम बैक। रिवीजन की सीरीज अभी चल रही है। हमने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, 100 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। 100 मींस 100 एमसीक्यू करना है, और हमने ऑलरेडी 40 एमसीक्यूज कर लिए हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो फिर से जाएं देखें, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज़ बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि इतने एमसीक्यूज हम कर लेंगे कि उससे ज़्यादा कुछ और कहीं आ ही नहीं सकता। तो लेट अस बिगिन दिस सीरीज। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन को और करेंगे। सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम पहुंच पाएंगे सही आंसर तक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। आईपीओ को मैं इधर कर देती हूँ। कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन। अब ये क्वेश्चन है हमारा रेस्पिरेशन का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला C6H12O6। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा पाइरूवेट में, हमने पहले भी ये पढ़ा है। चूंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार आता है, इसलिए हमें सारे तरह के क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। पाइरूवेट इज ऑल्सो नोन एज पाइरूविक एसिड। ये जो स्टेप है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, इसको हम एनएरोबिक भी बोल सकते हैं, और बायो में इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, इतना प्रोसेस होगा हमारा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। अब ये पाइरूवेट जो है इसको मिलेगा ऑक्सीजन, और फिर हमारा स्टार्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इसको मिल गया है ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे बनाएगा CO2H2O+38 ATP। जो इतना आधा प्रोसेस है ना जिसमें ऑक्सीजन मिला है, वो हमारा साइटोप्लाज्म में ना होके होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। तो अब देखो CO2 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये तो था एरोबिक, यहाँ ऑक्सीजन मिला। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये बना लेता इथाइल अल्कोहल। तो जो भी ये बनाता, अगर पाइरूविक एसिड के बाद वाला स्टेप है वो हमारा होता माइटोकॉन्ड्रिया में। डन, इजी। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एवरी प्लांट सेल हैज अ डंप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट इट इज। हर प्लांट सेल के पास एक होता है अपना पर्सनल डस्टबिन। पर्सनल डस्टबिन क्यों होना चाहिए? ताकि हम अपना वेस्ट मटेरियल निकाल के उसमें रख सके। जैसे हमारे घर में है एक पर्सनल डस्टबिन, हम उसको यूज करते हैं और फिर हम उसको अपने घर के बाहर रख देते हैं। जब बाहर से डस्टबिन उठाने वाले, जो बड़ा डस्टबिन वाला जो होता है, जो एक पर लोग आते हैं अलग अलग कॉलोनीज में, तो वो क्या करते हैं, छोटे 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 डस्टबिन को इकट्ठा करके ले जाके बड़े डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, एवरी प्लांट सेल हैज अ डंप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज दैट, इट इज सेंट्रल वैक्यूल। उसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल जो होगा, ऐसे मैं बनाती हूँ, इसके पास एक बड़ा सा सिंगल सेंट्रल, इधर सपोज न्यूक्लियस है एन से, और एक सिंगल लार्ज, जिसको हम प्रोमिनेंट भी बोलते हैं, कुछ बुक में लिखा हुआ है सेंट्रल वैक्यूल। ये है हमारा डस्टबिन। ये क्या करेगा, प्लांट के जितने भी वेस्ट मटेरियल सबको अपने अंदर भर लेगा और फिर उसको ले जाके बाहर एक्सक्रीट कर देगा। डन, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा यूरिन होता है वो या तो डाइल्यूट हो सकता है या तो कंसंट्रेटेड हो सकता है। डाइल्यूट कब होती है कोई चीज, जब उसमें पानी ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड कब होती है, जब उसमें पानी की क्वांटिटी कम हो। सो जो बच्चे बहुत पानी पीते हैं उन वो देखेंगे कि उनका यूरिन जो होता है वो वाटर के कलर का होता है, दैट इज कलरलेस। बट जो बच्चे बहुत काम चोरी करते हैं, काम चोरी मतलब पानी पीने में जिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत कम पानी पीते हैं, वो अक्सर नोटिस करेंगे कि जो उनका यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है, बिकॉज उनका यूरिन हो जाता है कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें हो जाती है पानी की कमी।
और जिसके पास है ज्यादा वाटर इन देयर यूरिन उनका यूरिन का कलर होगा नॉर्मल बिकॉज देयर यूरिन इज डाइल्यूट। अब ये पूछा क्या है कि इसमें कौन से हार्मोन का मेन रोल है। सारी चीजें हार्मोन से ही चल रही हैं बॉडी में, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाना बहुत बुरी बात है, हार्मोन सब चीजों को रेगुलेट करता है। सो आप यहाँ देखेंगे जो तीसरे नंबर पे लिखा है हार्मोन ADH, अब यहीं पे मैं इसका फुल फॉर्म बता दूंगी, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका काम ये होगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होगा ये रेगुलेट करेगा, पहले तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करेगा दैट हाउ मच वाटर शुड बी इनसाइड द बॉडी, हाउ मच वाटर शुड बी आउटसाइड द बॉडी, और इसके अलावा ये भी ध्यान करेगा, इस चीज को भी रेगुलेट करेगा कि यूरिन का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं क्यों गलत है। थायरोक्सिन जो है वो थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, उसका जो काम होगा वो गॉइटर को प्रिवेंट करने में होगा। थाइमोसिन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि चेस्ट पे होता है हमारे, बोथ ए एंड बी तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओ ओ ओ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, बेसिक फिल्टरिंग और फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा, किडनी सबने पढ़ा है, हर किडनी में छोटे 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 मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं, और इन छोटे छोटे मिलियंस फिल्टर्स का काम है ब्लड को फिल्टर कर देना। फिल्टर करके मतलब वेस्ट चीजों को निकाल लेना और प्योर चीजों को फिर से बॉडी में भेज लेना। सो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी हमारा होगा नेफ्रॉन। इसका डायग्राम मैंने बनाया है, सब लोग जाके डायग्राम वाली वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फटाफट अपने 5 क्वेश्चन लगभग हम कर रहे हैं। फैट डाइजेशन इज नोन एज, व्हाट डू वी कॉल फैट डाइजेशन। अब चूंकि वर्ड फैट डाइजेशन आया है, इसके पहले जिसने भी वीडियोस देखे होंगे MCQs वाले, वो बच्चे तुरंत ही कर लेंगे। क्यों? फैट डाइजेशन को हम फैट डाइजेशन नहीं बोलते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि डाइजेशन का मतलब होता है कोई बड़ी चीज को छोटे 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 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देना। ओके, बट फैट जो होगा वो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होगा। एक फैट का काम ये है कि उसके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है फैट का, दैट इज नोन एज फैटी एसिड, फैट का छोटा यूनिट। तो ये क्या होगा, ये स्क्वीज हो जाएगा, तो ये सब छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर और छोटा हो जाएगा, थोड़ी देर और नन्ना मुन्ना टाइनी। सो ये स्क्वीज हो रहा है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एक करेक्ट बायोलॉजिकल टर्म है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आई होप सबको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, so please try to share the video so that others can also get benefit. Instrument used in measuring BP. Oh, BP मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है बहुत लोगों को जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो उनका बीपी मेजर कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। देखो स्टेथोस्कोप, फिग्मोमैनोमीटर, इसमें एस साइलेंट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंडोस्कोप। अब चारों को हमें पढ़ना है, चारों को समझना है। तो स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, ये मेजर करता है हार्ट बीट, दिल की धड़कन। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये ECG मशीन होता है जो कि लोगों का जो हार्ट बीट है वो हार्ट रेट किस उससे चल रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दैट इज नोन एज। ये जो है जो पेशेंट डायलिसिस वगैरह पे होते हैं या जो ICU में होते हैं उनके लिए ये यूज होता है। एंडोस्कोप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर जाके हम उन चीजों को व्यू कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्जरी में यूज होता है, हमारे सर्जन्स करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसमें अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक हो गया, लीवर हो गया, या फिर हम फीमेल्स में यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गए, मेल में भी होता है, तो उसके अंदर का कैसे क्या सिनेरियो क्या चल रहा है उसकी फोटो खींचनी है, तो एंडोस्कोप को हम अंदर डालेंगे और इधर कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम उस ऑर्गन के अंदर की सारी चीजें देख लेंगे। ठीक, तो हमें ये सब तो करना नहीं है ना इस क्वेश्चन में, हमें देखना है बीपी कौन मेजर कर रहा है। तो बेस्ट आंसर होगा फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने चार ऑप्शंस के चार तरह के एक्सप्लेनेशन दिए हैं,
अब आगे नॉर्मल बीपी होना कितना चाहिए कि हमें मेजर करने की जरूरत बार बार ना पड़े। जो लोग बहुत खुश रहते हैं, जो बात बात पे गुस्सा नहीं करते हैं, जो बात बात पे ऐसे मुंह नहीं बनाते, उनका बीपी होगा 120/80 mmHg। 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये 80 वाला थोड़ा सा नीचे जाएगा तो जाएगा लो बीपी, 120 थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हाई बीपी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मसल्स टेकिंग पार्ट इन एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब मैं इनहेलेशन करके दिखाती हूँ। इनहेलेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीद इन। तो सपोज ऐसे मेरे रिब्स बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है लंग्स निकल के बाहर ही आ जाएगा, बट यू विल फील लाइक, अब चलो एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन करने पे क्या हो रहा है, यहां पे एक स्ट्रेच पड़ता है, दैट इज नोन एज डायफ्राम, जो कि कॉमन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है डाइजेस्टिव। क्यों ये कॉमन, इट्स नॉट लाइक कॉमन, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है, ये एक ऐसा लेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायफ्राम इज वेरी 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 यूजफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीद इन ब्रीद आउट। डंडना डंडन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एन एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल्स प्रोड्यूसेस। एनएरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, चलो मैंने लिख लिया ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसको हमें करना है एनएरोबिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं देना है। सो यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे, लिख दूंगी मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो अब देखो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इन अवर मसल्स, मसल्स पूछ लिया मतलब एनिमल की बात हो रही है, प्लांट की बात नहीं हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। तो एनिमल में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, वो भी आप समझ लो किसकी कमी में, ऑक्सीजन की कमी में अगर होगा, तो पहले तो नॉर्मली ये स्टेप होता ही है C6H12O से लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते थे, क्या बनता था वो, पाइरुविक एसिड बनाएगा। ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये पाइरुविक एसिड तो इसको मिलना चाहिए ऑक्सीजन, बट चूंकि ये एनारोबिक ही है पूरा प्रोसेस, तो इसको ऑक्सीजन कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, और हार मान के ये बना देगा लैक्टिक एसिड, प्लस ये रिलीज करेगा केवल 2 ATP का मॉलिक्यूल, बहुत कम एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड होगा ये कहां जाके स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा मसल्स में स्टोर। अब जब ये मसल में स्टोर हो जाएगा तो ये बहुत पेन करेगा, मसल क्रैम्प्स वगैरह होंगे, क्यों होते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें स्टोर रहता है। तो बेस्ट, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, ऐसे ध्यान से देखना है। देखो कंफ्यूजन क्या है, पाइरुवेट पहले पूछ लिया, पाइरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो गया, बट यहाँ क्वेश्चन मसल्स आ गया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लैक्टिक एसिड सही आंसर है, मैंने पहले ही समझा दिया। इथाइल अल्कोहल भी सही आंसर हो सकता था, लेकिन अगर मसल की जगह क्या पूछ लेता, प्लांट पूछ लेता। अगर प्लांट में एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है तो वहां पे होगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड नो, सो बेस्ट आंसर जो हमारे इस क्वेश्चन के साथ एकदम ऐसे करके मैच करता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक। मसल क्रैम्प्स होंगे, पेन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, फाइनली 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। अंदर नहीं होगा ब्रेक डाउन, दांत वांत टीथ वीथ एंजाइम्स मसल्स इन सबका कुछ काम नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस क्या हो जाना है, फूड को ब्रेक डाउन बाहर ही हो जाना है, अंदर लेके ही नहीं जाना है। तो कौन से ऐसे महारथी ऑर्गेनिज्म है जो ये काम कर लेंगे, तो पहले समझो विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। देखो जैसा नाम वैसा काम, सैप्रोफाइट है तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब ये न्यूट्रिशन में होता क्या है, इनको करना क्या है, जितनी सड़ी गली सड़ी गली सड़ी गली सड़ी गली रॉटन फूड है बाहर ऐसे बेकार पड़े हुए हैं,
उनको ये क्या करेंगे, बाहर ही ब्रेक कर देंगे अपने एंजाइम्स को रिलीज करके। और जब बाहर ही ब्रेक कर देंगे, जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे 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 मॉलिक्यूल में बाहर ही ब्रेक हो गया है, फिर ये खुद क्या करेंगे, उसके पास ऐसे चिपक के जाके ऐसे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी बोलते हैं। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अमीबा है इसमें, अमीबा का होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन सी में भी अमीबा आ गया, कचड़ा कर दिया, होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन डी में टेपवर्म वगैरह है, टेपवर्म वगैरह कभी भी सैप्रोफिटिक नहीं करते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर। सो सबसे बेस्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। So, इस तरह से हमने कर लिए 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और लेके आ रही हूं, तब तक इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करो। और ऑप्शंस तो बहुत इजी हैं, इन वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार यही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।